हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में लोगों को लाखों रुपए बांटने का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बनभूलपुरा हिंसा के बाद हैदराबाद के सलमान नामक व्यक्ति ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा पहुंचकर यहां के लोगों को लाखों रुपए कैश के रूप में बांटे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस मामले में हिंदूवादी नेता कमल मुनि ने भी पुलिस को एक तहरीर दी है, जिसमें हल्द्वानी हिंसा में पुलिस के खिलाफ बयानबाजी देते हुए सलमान नाम के युवक को लाखों रुपए बांटते हुए दिखाया गया है। मामले में पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा का कहना है कि बनभूलपुरा क्षेत्र में लोगों को पैसे बांटने के वीडियो के मामले में अब तक यह जानकारी मिली है कि हैदराबाद के किसी एनजीओ के लोगों ने यहां कुछ लोगों को पैसे बांटे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। इसके अलावा यह पैसा कहां से आया, किस माध्यम से आया, इन सभी चीजों की जांच चल रही है। जैसे ही तथ्य सामने आएंगे तो पुलिस के अलावा अन्य विभाग भी इस मामले में कार्रवाई करेंगे। देखिए, सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें यहाँ पे किसी व्यक्ति द्वारा कुछ लोगों को पैसा बांटने का मामला संज्ञान में आता। इसमें जांच करने पर और पूछताछ करने पर पता लगा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है हैदराबाद यूथ करेज के नाम से, उनके कुछ लोग यहाँ पर आए, उन्होंने कुछ लोगों को यहाँ पैसा बांटा है। तो ये जो एनजीओ, इसका जो पैसा कहाँ से आया है, किसने इनको पैसा दिया है, कितना पैसा इन्होंने बांटा है और बाकी जो जो चीज़ें हैं उनकी डिटेल हमने ली है और उसमें जाँच कर रहे हैं। इसमें जैसे भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम और बाकी अन्य विभाग भी इस मामले में कार्रवाई करेंगे।